हेलो दोस्तों, चटपटी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साबूदाने का लड्डू। आइए हम आपको बताते हैं साबूदाने का लड्डू कैसे बनाया जाता है। पहले तो हम एक कटोरी साबूदाना ले रखा है, इसको कढ़ाई में अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये हमारा सुनहरा नहीं हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा ये साबूदाना सुनहरा हो गया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल देंगे। एक चम्मच घी डालने के बाद ले लेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो हमने लिया है मखाना, काजू, बादाम और दो इलायची। अब इसको भी हम कढ़ाई में एक साथ ही भून लेंगे। इसे जो है अच्छे से 2 मिनट तक हम भूनते रहेंगे। हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको बाहर कर निकाल लेंगे। ये हमने लिया है आरारोट, ये जो हमारे यहाँ तेखुर बोलते हैं, इसको भी हम घी में भून लेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं, मुश्किल से 3 मिनट तक। अगर आप धीमी आंच में भी भूनेंगे तो ये अच्छे से आपका ब्राउन हो जाएगा। और हमने जो साबूदाना भूना था उसको अब ले चल रहे हैं मिक्सी के जार में डालकर, इसका हम एक पाउडर बना लेंगे। इधर हम इसको भूनते रहेंगे, उधर हम तब तक पाउडर बना ले रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा पाउडर जो है बन के तैयार हो गया। अब हम ये इस बर्तन में गिरा लेंगे। अभी इसी जार में हम जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसको भी बारीक तरीके से पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा दरबरा ही रखेंगे। आप देख रहे हैं हमारा जो ड्राई फ्रूट था वो भी दरबरा हो गया। हम भी उसको जो है इसी एक बर्तन में इसको भी गिरा लेंगे। तब तक हम अपना देखेंगे आरारोट भून के तैयार हुआ कि नहीं। इसको भी हम इसी थाली के अंदर निकाल लेंगे। हमारा जो है आरारोट जो है अच्छी तरीके से भून गया है, इसको इसी थाली के अंदर निकाल लेंगे। कढ़ाई को साफ कर लेंगे। कढ़ाई को साफ कर लिया है, अब इसके अंदर एक चम्मच घी डाल के, आप देख रहे हैं ये हमारा गरी है, पतला पतला काट लिया है। ये हमारा छुहारा है, इसको हम एक बुरादा बना लेंगे दरबरा सा। तब तक ये भूनते रहेंगे। दूसरी तरफ हम चीनी लिया है एक कटोरी, इसी मिक्सर के अंदर हम डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। हमने चीनी को भी पीस लिया है, अब इसी थाली के अंदर इसको भी रख लेंगे। आपको जितना मीठा खाना हो उतना आप चीनी डाल सकते हैं। आपका जितना साबूदाना हो, ड्राई फ्रूट्स हो, आप उसी हिसाब से चीनी डालिए। ये हम अच्छे तरीके से इसको भून लिए हैं। अब एक बर्तन में निकाल कर इसको हम दरबरा बना लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि खाने में तब पता नहीं चलेगा कि ये गरी है कि छुहारा है। इसको हल्का सा दरबरा करके मिला लेंगे।
आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो है गरी और छुहारे का बुरादा बनकर तैयार हो गया। हम इसको मार्केट से नहीं लाते क्योंकि मार्केट वाला स्वाद नहीं पता चलता, इसलिए हम घर पे बना लेते हैं। अब हम सबको तैयार कर लिए हैं, सारा चीज़ अपने साबूदाने का लड्डू बनाने के लिए हमने सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, आप देखिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे। हमारा जो कढ़ाई है पहले से ही गर्म हो रहा है, अब उसमें हम डाल देंगे एक कटोरी घी। हमने इतना सा घी लिया है, अब इसी कढ़ाई के अंदर सब डाल देंगे। हमारा जो है घी जो है गरम हो चुका है, अब हम जितना मटेरियल अपना सब तैयार किया है अब इसी घी में हम सब गिरा देंगे। गिराने के बाद जो है इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कढ़ाई से सारा जो है निकाल लेंगे और ये हमारा जब तक ठंडा नहीं हो पाएगा तब तक हम लड्डू कैसे बनाएंगे। इसको हम 2 मिनट तक ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो घी है ना वो सब सोख लेगा, इसलिए इसको हम सिर्फ 2 ही मिनट तक ठंडा करेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, हम जो है इस तरीके से लड्डू जो है हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे, इस लड्डू को ऐसे बनाते रहिए। अगर आपको लगे कि लड्डू नहीं बन रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा आप घी डाल लीजिएगा और ये गर्म ही बनता है, ठंडा बनाएंगे तो सारा घी जो है सोख लेगा फिर बनेगा नहीं। इस तरीके से आप लड्डू बना लीजिए। ये लड्डू ऐसे ही करके आप बना लीजिए और ये लड्डू जो है बहुत ही ताकतवर होता है और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस लड्डू को आप थोड़ा गर्म ही इस तरीके से दबा देंगे तो ये लड्डू अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही लड्डू हम सारा दिन बना लेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा साबूदाने का लड्डू बनकर तैयार है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए एक नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।